आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि जेई की वैकेंसी है, एई की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा, बी, बीटेक और आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 5754 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट जो भी होंगे बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी सारी वैकेंसीज होंगी डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई वालों के लिए चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। खास करके जेई और एई की वैकेंसी कहीं से भी आती है, ऑल ओवर इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं जरूर से आपको बताता हूँ। तो सभी को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वैकेंसी आपको मिस नहीं होगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट नोटिस पीडीएफ जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाती है, और जो भी सारे लेटेस्ट नोटिस पीडीएफ आते हैं भी कुछ मैं यहां पर पोस्ट कर देता हूं, तो यहां से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे, सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस पीडीएफ आपको यहां पर मिलती रहेंगी। देख सकते हैं अभी जो है ऑफिशियल नोटिस यहां पर आउट की गई महावितरण या महाडिस्कॉम के तरफ से, आपको जो वैकेंसी निकली थी जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर था 5/2023, 6/2023, 7/2023 और 8/2023, तो इसकी जो यहां पर अभी लास्ट डेट जो है फिल करने की, इसको यहां पर एक्सटेंड किया गया, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं अभी 20 मार्च 2024 तक इसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का, लेकिन अभी जो है इनको यहां पर अनुरोध किया गया, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया, कारण उक्त पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/4/2024 तक बढ़ाई जा रही है। तो अभी जो है इसकी लास्ट डेट 19/4/2024 तक यहां पर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी जो भी डिटेल्स हैं, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। जो भी से कैंडिडेट हैं इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया था, अभी फिर से मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किए होंगे तो जरूर से कर लीजिएगा। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिस है और ये इसका वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अभी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का पोस्ट है, जिसमें कि अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो इसमें वैकेंसी निकली है, आपको तीन अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिया गया, एक एडवर्टाइजमेंट है जेई का, एक एडवर्टाइजमेंट है आपको एई का और एक है आपको टेक्नीशियन का। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको यहाँ पर 5700 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें कि ये जूनियर इंजीनियर का एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट है, ये आपको एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे होने वाली है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एक साल तब आपको परमानेंट यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सिविल, द कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब इन द रेगुलर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर सिविल रिस्पेक्टिवली एज पर कंपनी रूल्स। तो इसमें आपको एक साल एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तरह होगा, जब आपका एक साल ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पर रेगुलर यानी कि परमानेंट पोस्ट पर आपको मिल जाएगी, आपको निकाला नहीं जाएगा, ये परमानेंट जॉब है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की कोई भी जो पोस्ट होती है वो आपको परमानेंट होती है, एक साल की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जब ट्रेनिंग आपका खत्म हो जाता है तब आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का एक पोस्ट है, जिसमें कि आपको एक साल जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब आपको ये असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर आपको इसमें परमानेंट जॉब्स यहाँ पर मिल जाएगी, रेगुलर पोस्ट पर जब आपका एक साल खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड या आपका ट्रेनिंग पीरियड, तो आपको इसमें परमानेंट जॉब असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे मिल जाएगी। तो ये आपको एई का पोस्ट है, वो आपको जेई का पोस्ट था और एक टेक्नीशियन का पोस्ट, और उसके बाद ये आपको टेक्नीशियन का पोस्ट है। टेक्नीशियन के पोस्ट में आपको 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जब आपका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा आपका, तब आपको इसमें इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के पोस्ट पर आपको रेगुलर यहाँ पर परमानेंट जॉब्स आपको मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसी में, आपको इसमें 5347 पोस्ट के लिए ये टेक्नीशियन के पोस्ट वैकेंसी निकली है, जिसमें कि अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है यहां पर दिया गया है कि अगर आप 10+2 पास कर रखे हैं और उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में अगर आप आईटीआई कर रखे हैं 2 ईयर का कोर्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो जूनियर इंजीनियर का सबसे पहले मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का जो या डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, एक डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन में है, जिसमें कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल का पोस्ट है इसमें अगर आप सिविल में डिप्लोमा कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके ब्रांच की वैकेंसी इसमें नहीं होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं, कौन से ब्रांच से आप बी बी टेक किए हैं या कौन से ट्रेड से आई
क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपके लिए जो भी सारी वैकेंसी आती रहेंगी मैं आपको ज़रूर से बताते रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप एक चीज़ बात करूँ तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर या डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोस्ट है इसमें बीबीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। बीबीटेक वालों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट है जीईटी का या असिस्टेंट इंजीनियर एई का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा गया साफ साफ करके द कैंडिडेट हु एक्वायर क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग और हायर क्वालिफिकेशन विदाउट बीइंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या सिविल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। तो अगर आप डिप्लोमा किए बिना अगर आप बीबीटेक या कोई हायर क्वालिफिकेशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके लिए जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या एई का पोस्ट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो जेई का पोस्ट है या डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोस्ट है इसमें बीबीटेक वाले एलिजिबल नहीं है बिना डिप्लोमा किए। अगर आप डिप्लोमा करके बीबीटेक किए हैं तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं और जो जीईटी का पोस्ट है उसमें भी एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करिए वैकेंसी कहाँ से आ रही है, तो ये आपको महावितरण महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसके तरफ से आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। MSEDCL एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 8/2023 है, 29 दिसंबर 2023 के डेट में रिलीज़ की गई है। इसमें जो यहाँ पर वैकेंसी है दो तीन अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, तीनों एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जेई का एई का और टेक्नीशियन का। तो ये आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023। बात करें इसकी सैलरी की, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको इनिशियली स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पर 18,000 मिलेगी एक साल के लिए, लेकिन जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पर बेसिक पे देख सकते हैं 37,340 है और ये आपको बढ़ती जाएगी। इसमें आपको TA DHRA सभी कुछ मिलेगी, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है आपको 45 प्लस ही आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन शुरू के जो एक ईयर है उसमें आपको 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगी, देख सकते हैं। जब आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट रहेगी तो आपको 18,000 पर मंथ एक साल तक आपको मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET का जो पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर AE का पोस्ट, इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक में डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 281 वैकेंसी है और यहाँ पर आपको सिविल में आपको 40 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी सिविल में और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पर 281 वैकेंसी है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, तो भी मैं आपको बताऊँगा। इसकी जो यहाँ पर पे ग्रुप या एज लिमिट है यहाँ पर दिया गया है, एज लिमिट आपका 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर आपका एज 35 से ज़्यादा है तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5 ईयर का, और यहाँ पर आपको दिया गया अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से अलग अलग यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में आपको दिया गया। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीबीटेक होल्डर्स हैं या डिग्री होल्डर्स हैं ग्रेजुएट किए हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप कर रखे हैं बीबीटेक तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी की, तो स्टार्टिंग में आपको जब ट्रेनिंग पीरियड रहेगी तो आपको 22,000 मिलेगी, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पर 49,210 रुपये, ये बेसिक भी है, इसमें TA DHRA सभी कुछ मिलेगी। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50-55 से स्टार्टिंग होने वाली है, 50-55 ये परमानेंट जॉब एक साल के बाद की आपकी सैलरी होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे। बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो GET या असिस्टेंट इंजीनियर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस गेट के आधार पर होने वाली है। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर गेट एग्जामिनेशन, गेट का जो ईयर है 2021-22-23 में, किसी भी ईयर में अगर आप यहाँ पर गेट क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कंसीडर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। तो यहाँ पर आपका गेट जो है मस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग पेपर में CE और EE में आपका होना चाहिए। इनकेस अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप गेट क्वालिफाइड है कि नहीं है, या आप कौन से ब्रांच से डिप्लोमा कर रखें, कौन से ब्रांच से बीबीटेक कर रखें या कौन से ट्रेड से ITI कर रखें, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसमें एप्लीकेशन फ़ी ओपन कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 500 प्लस GST रखा गया और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 प्लस GST आपको यहाँ पर रखा गया है। कैसे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये इसका वेबसाइट है, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर विजिट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया अप्लाई करने का, तो जब इसका लिंक एक्टिवेट करेगा तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए या व्हाट्सअप ग्रुप में या व्हाट्सअप चैनल में, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। वहीं पर बात करें जो जूनियर इंजीनियर या डिप्लोमा ट्रेनी का पोस्ट है उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, तो इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको रिटन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट CBT एग्जाम्स होगा, इसमें आपको अपीयर होने होंगे। इसमें जो है आपको 130 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क का टोटल होगा, 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपका जनरल नॉलेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो ये 20 मार्क का 20 क्वेश्चंस आपको रहेगा मराठी लैंग्वेज
का, जो कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आएंगे और मराठी में भी, ये आपको मराठी लैंग्वेज को छोड़ करके ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में आपको आएंगे। इनकेस अगर आप डिप्लोमा करने के बाद BBTech या MEMTech कर रखे होंगे तो उस केस में आपको कुछ यहाँ पर प्रिफ्रेंस मिलेगा या एडिशनल मार्क मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द कैंडिडेट पोजेजिंग हायर क्वालिफिकेशन डैट इज डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड इन एडिशनल टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव फील्ड विल बी गिवन टू एडिशनल मार्क। जैसे कि अगर आप लोग डिप्लोमा करने के बाद BBTech किए होंगे तो आपको 2 मार्क दिया जाएगा, और अगर आप लोग MEMTech किए होंगे तो आपको 3 मार्क यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसमें आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, तो अगर आप लोग यहाँ पर गलत आंसर टिक करोगे तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है या इसमें ओनली महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बॉन्ड ये है कि आपको ये मराठी लैंग्वेज का पेपर होगा 20 क्वेश्चन, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट से जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होंगे वही वैलिड होंगे। अगर आपका कास्ट यहाँ पर कास्ट नोटिफाइड इन अदर स्टेट एज रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज ओपन फॉर ऑल द पर्पसेस, तो यानी कि अगर आपका अदर स्टेट का कोई भी कास्ट होगा तो वो आपको यहाँ पर UR या ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो JEE और AE का पोस्ट है इसमें आपको यहाँ पर दिया गया मराठी लैंग्वेज का बॉन्ड है, और AE का पोस्ट में गेट का वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी गेट क्वालिफाइड है चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। JEE या डिप्लोमा ट्रेनी में यहाँ पर आपको वैकेंसी की बात करें तो 51 वैकेंसी है। ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैकेंसी है, और यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है 35 पोस्ट पर, ये आपको सिविल के पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिली। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी अगर रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर लिंक पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं या इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती। और कमेंट सेक्शन में अपना ब्रांच जरूर बताइएगा, कौन से ब्रांच से डिप्लोमा की हैं, कौन से ब्रांच से BBTech की हैं, कौन से ट्रेड से ITI की हैं, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी।